ये बात है साल 1961 की, जब मिस्टर केटी राजशेखरा बेंगलोर से कुनिगल तक स्टेज कैरियर बसेस को चलाते थे। शुरुआत में इनके पास फार्गो कंपनी की बसेस थी, जिनमें पार्किंसन कंपनी का इंजन लगा हुआ करता था। उस समय डीजल के रेट्स 35 रुपीज पर लीटर हुआ करते थे। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। इसके 15 साल बाद यानी 1976 में सरकार ने बस ट्रांसपोर्टेशन को नेशनलाइज करने का सोच लिया था, जिसके कारण एसआरएस ट्रैवल्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। 1981 में केटीआरजी ने कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स के साथ साथ स्टेज कैरियर बसेस का चलान शुरू कर दिया था। 1990 में बेंगलोर में आईटी सेक्टर और कंपनीज की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी, जिसके कारण केटीआरजी ने स्टाफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी अपनी बसेस को शुरू की। और देखते ही देखते 1994 में इन्फोसिस कंपनी के ऑफिशियल ट्रांसपोर्टर एसआरएस ट्रैवल्स बन गए, और इसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी आगे बढ़ रही थी और बहुत सारे एमएनसी कंपनी को अपनी स्टाफ ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। बेंगलोर के साथ साथ चेन्नई, पुणे और बहुत सारे शहरों पर एसआरएस कंपनी ने अपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस शुरू की। आप जानकर हैरान हो जाओगे, इनके पास 5,500 से भी ज्यादा गाड़ियां हैं, जिनमें बसेस और ट्रक शामिल हैं। बसेस की बात कर लें तो इनके पास 500 से भी ज्यादा बसेस हैं। इनके पास स्कैनिया, वोल्वो, मर्सिडीज बेंज, लीलैंड, बहुत सारी ब्रांड्स की बसेस इनके पास चलती है, जिनमें से 80% बसेस स्टाफ ट्रांसपोर्ट के लिए इन्होंने लगाई है। एसआरएस ट्रैवल्स को इंटरसिटी बसेस में आए हुए 32 साल यानी 32 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। इससे साबित होता है कि इनके पास बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। कंपनी की सर्विस कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पौंडीचेरी, गोवा, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चलती है। एसआरएस की लॉन्ग रूट बसेस बहुत फेमस है और इनका सबसे लंबा रूट है बेंगलोर टू जोधपुर, जो 2100 किलोमीटर यानी 2100 किलोमीटर के आसपास है। और एसआरएस की बसेस इनको 33 घंटे यानी 35 आवर्स में इसको पूरा कर देती है। एसआरएस के पास अपनी बसेस और ट्रक्स की देखभाल करने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए इनकी सर्विस डेपोज भी है, जिसमें गाड़ियों की रिपेयरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग और बहुत सारे काम होते हैं। मिस्टर केटीआर जी ने कहा था कि हमारा एक सपना है कि हम बेंगलोर से दिल्ली के बीच एक बस सेवा शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि बेंगलोर टू दिल्ली इतने लंबे डिस्टेंस की भी एक बस अवेलेबल हो सकती है, वो भी एसआरएस ट्रैवल्स की। एसआरएस ट्रैवल्स बसेस के साथ साथ अपने ड्राइवर्स का भी बहुत ख्याल रखती है। अपने ड्राइवर्स को 6 महीनों की यानी 6 मंथ्स के ट्रेनिंग पीरियड से वो गुजारते हैं, जिसमें उनको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, जिसमें गाड़ी चलाना, गाड़ियों को अच्छे से मेंटेन करना, गाड़ियों के कुछ प्रॉब्लम हुए, टेक्निकल एरर हुए तो उसको सॉल्व करना और बहुत सारी चीजें इसमें आती है। और खराब से खराब कंडीशन में भी कस्टमर को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, ये भी उसमें सिखाया जाता है। जब कोई ड्राइवर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेता है तो उसका एक फाइनल इंटरव्यू होता है मिस्टर केटीआर सर के साथ। देखिए, मिस्टर केटीआर सर इस ड्राइवर का इंटरव्यू लेते हैं और उसमें उनको बहुत सारी चीजें समझाते हैं कि उनको कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है और कंपनी उनको क्या दे सकती है, क्योंकि उनके लिए कंपनी, उनके बिना कंपनी पॉसिबल ही नहीं है। एक बात बदलो केटीआर सर की, तो देखिए मिस्टर केटीआर सर की एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे कि वो अपना बहुत सारा समय ड्राइवर्स के भविष्य और ड्राइवर्स के लिए देते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। इतने बड़े ऑपरेटर होने के बाद भी उनकी बसेस की सर्विस आज भी वैसी है, क्योंकि आप देख सकते हैं एसआरएस के ड्राइवर्स बहुत हम्बल होते हैं। एसआरएस की सर्विस बहुत अच्छी है। एसआरएस अपनी बसेस के साथ ट्रक्स, पार्सल सेवा, बहुत सारी इनके पास सुविधा अवेलेबल है। तो दोस्तों, कैसा लगे आपकी वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको एसआरएस ट्रैवल्स की इन्फॉर्मेशन लगी, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल हमने खास बस ऑपरेटर्स के लिए बनाया है। और दूसरी बात, इसमें हम आपको बहुत सारे बस ऑपरेटर्स की कहानी और वो कैसे सक्सेसफुल बने, ये आपको बताने वाले। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपको हम और नई नई वीडियो आपके सामने लाएंगे। यही पर उठते फिर आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।